हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज मैं आपको एक पूरी का रेसिपी शेयर करूंगी जो कि आलू पूरी का रेसिपी है ये जो आलू पूरी जो मैंने आप लोग को दिखाऊंगी वो आप ब्रेकफास्ट डिनर सब में आप इसको खा सकते हैं बनाकर और बहुत ही जल्दी कम समय में आपका ये आलू पूरी का रेसिपी बन जाता है तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का आलू पूरी का ये सिंपल सा रेसिपी तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन ली हूँ जिसमें मैं ऐड करूँगी डेढ़ कप आपका मैदा और यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज दो मीडियम साइज बोल्ड आलू ली हूँ जो कि मैं इसमें घिस कर मैदा में डाल दूँगी तो यहाँ पे मैंने सारे आलू को अच्छे से घिस कर रेडी कर लिया तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा आपका स्वाद अनुसार सॉल्ट और उसके बाद हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून क्यूमिन सीड्स और हाफ टी स्पून आपका हल्दी का पाउडर हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून जवान अजवान का बिना पूरी तो टेस्ट नहीं बनता है इसीलिए हाफ टी स्पून अजवान और ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा आपका ब्लैक जीरा और इसमें मैं अभी ऐड कर रही हूँ कटा हुआ कॉरियनडल लिप्स और अच्छे से इसको मिलाएंगे अभी हम इसमें थोड़ा सा ये पूरी को क्रिस्पी बनाने के लिए हाफ कप सूजी ऐड कर रहे हैं सूजी ऐड करने से ये जो पूरी आपका क्रिस्पी बनता है पहले हमको ये सारे मिक्सचर को मैदा के साथ अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि हमारा ये आलू में पानी रहता है इसीलिए पहले हम ये सारे चीज को ऐसे ही सूखा हाथ की मदद से आपको गूंदना पड़ेगा उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका एक छोटा सा डो बनाएंगे जैसे कि आप लोग पूरी का डो बनाते हैं वैसे ही इसका हम लोग एक डो बना लेते हैं तो ये देखिए हमारा यहाँ पे पूरी का डो अच्छे से बन चुका है और बहुत ही नरम है ज़्यादा टाइट इसको ना बना है अभी हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे रिफाइंड ऑयल ऊपर से थोड़ा सा इसको मिलाकर रख देते हैं और अच्छे से ये तेल को आपका डो के साथ अच्छे से मिक्स करें तो ये देखिए हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है ऑयल अभी हम ये डो को हाफ़ एन आवर के लिए ढंक कर रख देते हैं हाफ एन आवर हो चुका है अभी हम इसका पूरी बनाएंगे तो ये जो डो है और थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है इसलिए आपको उतना ही थोड़ा सा ध्यान में रख कर इसका डो बनाना हो तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरी के साइज़ से थोड़ा सा बड़ा साइज़ का गोला बना ली हूँ क्योंकि हमारा ये पूरी थोड़ा सा थिक बनेगा ज़्यादा पतला नहीं बनेगा तो यहाँ पे हमारा पूरी बनने के लिए गोला रेडी हो चुका है यहाँ पे मैंने थोड़ा सा साइड में तेल रही हूँ आपको ज़रूरत है तो आप यूज़ करें नहीं भी यूज़ करने से भी आपका पूरी अच्छा बनेगा क्योंकि हम लोग लास्ट में गोला में जो कि डो में थोड़ा सा तेल लगा रख दिए थे तो चलिए फिर इसका हम पूरी बनाते हैं यहाँ पे मैंने एक चक्की के ऊपर एक गोला रख रही हूँ और धीरे धीरे करके जैसे आप लोग घर पे पूरी या रोटी जैसे भी बनाते हैं वैसे ही थोड़ा सा हमको ये पूरी को थोड़ा सा थिक बनाना है तो यहाँ पे देखिए मेरा एक पूरी ऑलरेडी रेडी हो चुका है फ्राई होने के लिए यहाँ पर मैंने सारी पूरी को पहले बेल लेती हूँ तो यहाँ पर हमारा ये चार पूरी फ्राई होने के लिए रेडी हो चुका है तो चलिए अभी हम इसका फ्राई बनाते हैं पूरी को फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा तेल ले लिया क्योंकि पूरी को हमको डीप फ्राई करना है तो चलिए इसको चेक करते हैं कि यह तेल गर्म हुआ है कि नहीं यहाँ पे मैंने एक डो का टुकड़ा इसमें डाल रही हूँ तो ये देखिए ऊपर से फूल कर आ चुका है मतलब ये हमारा तेल ऑलरेडी गर्म हो चुका है अभी हम इसमें एक एक करके पूरी को फ्राई करेंगे एक पूरी को डालिए आपको मीडियम फ्लेम पर ही इसको रखना है मीडियम से हाई फ्लेम में तो धीरे धीरे इसको प्रेस करें और आपका ये एक साइड फूल जाएगा उसके बाद आप दूसरे साइड को इसको पलटाएं तो ये देखिए हमारा पूरी अच्छे से कलर आ चुका है और इसका कलर ज़बरदस्त है तो ऐसे करके मैं सारे पूरी को पहले फ्राई कर लेती हूँ यहाँ पे मेरा सारा पूरी ऑलरेडी अच्छे से फ्राई हो चुका है और ये सारे पूरी को मैं प्लेट में निकाल ले रही हूँ और ये थोड़ा सा गर्म है इसलिए मैं इसको तोड़ नहीं पा रही हूँ जो कि ठंडा है थोड़ा सा उसको मैं तोड़कर आपको दिखा रही हूँ कि इसके भीतर का पार्ट कैसा फूला है तो ये देखिए ये अच्छे से फूल गया है सारे पूरी और भीतर से अच्छे से भी पक गया है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अमी है क्योंकि इसमें से इतना खूबसूरत स्मेल आ रहा है तो ये रेसिपी को आप लोग घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें यहाँ पे मैं इसको सर्व कर रही हूँ यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले रही हूँ जो कि मैंने साइड में एक मटर आलू की सब्जी मैंने सुबह बनाया था उसको रख दिया और साइड में मैं पूरी को सजा देती हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे पूरी को अच्छे से सजा दिया और यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट का खाना ऑलरेडी रेडी है मटर आलू की सब्जी के बग़ैर आप आलू की सब्ज़ी या कोई भी सब्ज़ी आप लोग को पसंद है वह सब्ज़ी आप ये पूरी के साथ खा सकते हैं ये एक बहुत ही टेस्टी और यम्मी पूरी का रेसिपी है आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेरा रेसिपी कैसा लगा अब तक आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक शेयर और कमेंट करें राइट साइड पे जो बेल बटन है उसका दबाएं क्योंकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी वो पहले आपके पास पहुँच जाए फिर मिलेंगे और एक न्यू रेसिपी के साथ थैंक यू सो मच